दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद कप्तान रोहित इस फॉर्मेट से लेंगे संन्यास तो क्या है खबर की पूरी जानकारी किस फॉर्मेट से संन्यास लेने जा रहे हैं रोहित शर्मा बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो की हार के बाद से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं वह फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं इन सबके बीच रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है वह इसी साल एक फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करने वाले आपको बता दें दोस्तों की टी वर्ल्ड कप दो के बाद से ही भारतीय टीम के लिए वह एक भी नहीं खेले ऐसे में इनसाइड स्पोर्ट्स की खबर के मुताबिक रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप दो के बाद एक या दो फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं बीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन स्पोर्ट्स से कहा कि की भविष्य की कप्तानी के बारे में बात करने का समय नहीं है रोहित हमारे कप्तान है और इसके बाद ही किसी की कप्तानी के चीज पर वर्ल्ड कप के बाद ही चर्चा होने वाली है रोहित शर्मा के कप्तानी के बाद यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ही होने वाली चर्चा लेकिन दो सौ साल के रोहित शर्मा के बाद यहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट में को टीम की कमान मिलेगी वही हार्दिक पांड्या टी और वनडे के कप्तान बनने वाले ऐसे में बीसीसीआई के अधिकारी ने स्पोर्ट से बताया की के राहुल टेस्ट में उप कप्तान और इससे आप अधिकारी की योजना को समझ सकते हैं पुजारा और इस सब दोनों वही है इसलिए उपकप्तानी के विकल्प की कोई कमी नहीं है उन्होंने आगे कहा हार्दिक बतौर कप्तान अच्छा कर रहे हैं वह युवा और केवल बेहतर ही होंगे ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद टी ट्वेंटी से संयास लेंगे और कप्प्टीसी संभालते दिखेंगे हार्दिक पांडे पर क्या रहा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद